वेलकम टू देसी पटाखा। मैं कोमल तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेल बड़ी अपडेट दोस्तों, हाल ही में दिव्या अग्रवाल और वरुण सूद का ब्रेकअप हुआ था, जिसके बाद कई सारे ट्रोलर्स और सपोर्टर्स सामने आए थे। जहाँ एक तरफ जो ऑडियंस थी, फैंस थे, वो कह रहे थे कि वरुण एंड यू लुक सो क्यूट टुगेदर, प्लीज़ आप लोग रिलेशन में वापस आ जाओ। दिव्या को मनाया जा रहा था कि आप यू नो रिलेशन मत तोड़िए, आप क्यों तोड़ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ वापस आइए। और जो दिव्या है उन्होंने ट्वीट भी किया था वापस से कि क्यों मुझे वापस से फोर्स किया जा रहा है उस जगह में जाने के लिए जहाँ पे मैं खुश हूँ ही नहीं। तो ऐसे में यू नो कुछ ही समय पहले रिलीज हुई, लीक हुई इनफैक्ट, दिव्या अग्रवाल की चैट्स, जिसमें यू नो कुछ ऐसी बातें हैं जो साफ कर देती हैं कि आखिर क्या मजबूरी रही दिव्या की उन्हें यू नो वरुण सूद से दूर जाने के पीछे, उनकी क्या मजबूरी थी। इस चैट्स में नज़र आता है कि दिव्या कह रही हैं किसी को कि मैं अकेले ही रहती हूँ, चाहे पापा का टाइम हो या कोई खुशी की बात हो, घर लिया अकेले लिया, बाहर दोस्तों के साथ अकेले, ही इज़ नेवर देयर, नेवर इंटरेस्टेड, अकेले ही करना है तो क्या ज़रूरत। वेल आगे उन्होंने एक ये चैट भी आई है, पापा पास अवे, आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी वन, एनीथिंग हैपन्स आई हैव टू टेक केयर, वेन आई विल बी केयर्ड, इट्स नॉट अबाउट डांस, इट्स नॉट अबाउट फैंस, माई पर्सनल लाइफ फैमिली। वेल दोस्तों, इनकी इस चैट से मैं आपको एक समरी बताती हूँ क्या समझ में आता है, कि वो कहती हैं कि जब उनके पापा की डेथ हुई तब भी वरुण उनके साथ नहीं थे उन्हें कंसोल करने के लिए, कोई खुशी की बात अगर होती है तब भी वरुण उनके साथ नहीं होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, बाहर कहीं जाना होता है तब वरुण उनके साथ कहीं जाने में, उनके साथ रहने में, टाइम स्पेंड करने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। अगर उन्हें हर चीज़ अकेले ही करनी है, उन्होंने घर भी लिया अकेले लिया, देयर वॉज नाइदर सपोर्ट नॉर एनी वन टू सेलिब्रेट विद, अगर उन्हें हर चीज़ अकेली करनी है तो फिर एक पार्टनर की क्या ज़रूरत है। हमेशा ही वो हर किसी के बारे में क्यों सोचे, वरुण के बारे में क्यों ही सोचती रहें, क्यों उनकी केयर करती रहें, कब उनकी कोई केयर करेगा। वेल बड़ी स्टेटमेंट है दोस्तों, अगर ये लीक हुई चैट सच है देन आई थिंक इट्स अ बिग रीज़न फॉर दिव्या टू यू नो टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशन। क्या कहना है आपका कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।